नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती हैं। वो दवाइयों का क्या काम है, वो किस तरह से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और उनको एक्चुअल में क्यों ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मान के चलिए कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में कॉन्सेप्ट आजकल काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि पिछली काफी स्टडीज जो आई जिन्होंने ये दवाइयों का प्रयोग किया और ये साबित करने की कोशिश की कि दवाइयों से मृत्यु दर कम हो सकता है क्योंकि ये सारी दवाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, वो सारी ही टेस्ट या ट्रायल्स जो हैं बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाने में नाकामयाब रही, वो साबित नहीं कर पाई कि बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल को अगर दवाइयों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा तो पेशेंट को उससे कुछ फायदा होगा। हाँ, बाय कॉन्सेप्ट हम ये मान सकते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नलियों में से कोलेस्ट्रॉल को या बाकी जगह पे जो कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लेके लिवर में डिपॉजिट करता है ताकि लिवर में कोलेस्ट्रॉल का पाचन हो सके और शरीर में फ्री कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा ब्लड में ना रहे, तो ये फायदा करता है। लेकिन जहां तक मृत्यु दर की बात है, जहां तक हार्ट अटैक या लकवा या इस तरह की बीमारियों का होने का चांस है, वहां कोई भी स्टडी ये साबित नहीं कर पाई कि इन दवाइयों से पेशेंट को एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स, कभी भी आप जाओगे कि मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 25 है 30 है, कम है, जितना होना चाहिए नॉर्मल 50-60 के आसपास रहना चाहिए, अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं देते। उसका रीजन ये है कि दवाइयों का फायदा जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है और दूसरा दवाइयों से साइड इफेक्ट पैटर्न भी थोड़ा ज्यादा है, सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ये दवाइयों से होते देखे गए हैं। इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयों पर जाने से पहले टॉपिक पर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमनली जो दवाई इसके लिए दी जाती है वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का बेसिकली जो पर्पस है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर ही सबसे ज्यादा असर करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल पर ही सबसे ज्यादा असर करता है। तो अगर किसी पेशेंट को दोनों कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो सबसे ज्यादा आप प्रिफर करोगे स्टैटिन्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टडीज में या रिसर्च ट्रायल्स ने साबित किया है कि स्टैटिन्स का फायदा होता है। और स्टैटिन्स का फायदा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने तक सीमित नहीं है, वो और दूसरी तरह से भी बहुत सारे फायदे पेशेंट को देता है। तो इसलिए स्टैटिन्स को सबसे पहला दवाई माना जाता है अगर किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी इसी को प्रिफर करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता, गुड वाले कोलेस्ट्रॉल को मैक्सिमम 5-7% जैसा इंक्रीज आप देख सकते हैं, यानी अगर किसी का 30-35 के आसपास है तो थोड़ा 5-7 मिलीग्राम पर डेसिलीटर बढ़ जाएगा, यानी 30-35 हो जाएगा, 35-40 हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा पर थोड़ा फायदा मिलेगा। साइड बाय साइड पेशेंट को ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करेगा, साइड बाय साइड पेशेंट का एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, तो थोड़ा बहुत पेशेंट का ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। इसलिए सबसे पहला मेडिसिन को अगर प्रिफर करते हैं तो स्टैटिन्स है। उसका रीजन ये है कि बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफी कम है, काफी ज्यादा सेफ है और बाकी कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स स्टैटिन्स हमको देते हैं। इसलिए अगर गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है तो सबसे पहला ड्रग जो डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं वो स्टैटिन्स है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन ड्रग्स जो है वो फिनोफिब्रेट है। फिनोफिब्रेट का बेसिकली पर्पस सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल पर काम करता है, यानी वो वैसी दवाई है जो ट्राइग्लिसराइड पर सबसे ज्यादा एक्शन है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती, थोड़ा सा बढ़ा सकती है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। मतलब ये वो दवा है जैसे कि हम स्टैटिन्स का देख रहे थे कि वो एलडीएल पर सबसे ज्यादा काम करती है, वैसे ही फिनोफिब्रेट जो मेडिसिन है वो ट्राइग्लिसराइड पर सबसे ज्यादा काम करती है, सेकेंड वो काम एचडीएल पर करती है और थर्ड उसका जो इफेक्ट आता है वो एलडीएल पे आता है, मतलब एलडीएल पे काफी कम इफेक्ट आता है। ये दवा के साथ भी कुछ स्टडीज है जो बेनिफिट शो करती है, तो यानी किसी पेशेंट को मान लीजिए अगर एचडीएल कम है और साथ में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो हम इस दवा को ज्यादा प्रिफर करेंगे। एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड का अगर तीनों का ही प्रॉब्लम है तो इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम प्रिफर करेंगे, यानी स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन जो कॉमनली अवेलेबल है वैसा कॉम्बिनेशन आप प्रिफर करेंगे, जो कि एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करेगा। नेक्स्ट जो दवा कॉमनली यूज होती है वो है नाइसिन। नाइसिन यानी निकोटिनिक एसिड बेसिकली एक विटामिन है, यानी कि B3 विटामिन बोलते हैं इसको, विटामिन B3 को टेक्निकली नाइसिन बोलते हैं। बेसिकली ये जो है एचडीएल लेवल को बढ़ाती है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म में इसको जब या मेडिसिन फॉर्म में जब इसको दिया जाता है तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा स्टडीज में साबित नहीं हो पाए हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी इसके हैं, इसके साथ
खाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चेहरे पर बहुत ज्यादा लाल हो जाता है चेहरा, इसको फ्लशिंग बोलते हैं, वो काफी बार देखने को मिलता है, काफी बार बीपी भी थोड़ा बहुत बढ़ा देता है ये। और कुछ दवाई ऐसी आई भी जैसे कि लारोप्रिप्रांट है, वो दवाई इसके साथ में कॉम्बिनेशन करके भी लॉन्च किया गया जिससे फ्लशिंग वाला साइड इफेक्ट कम भी हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखा गया और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इस मेडिसिन कॉम्बिनेशन से। तो इसलिए ये दवा बहुत कम कंपनीज ही मार्केट करती है, बहुत कम ही डॉक्टर्स इसको लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन मेडिसिन है CETP इनहिबिटर्स, यानी कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। इसको इनहिबिट करने से बॉडी का HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो प्रोटीन है जिसके कारण से HDL कोलेस्ट्रॉल डैमेज होता है, यानी HDL कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज कम होता है, बॉडी उनको एक तरह से रिसाइकल करता है। तो ये दवा जो है इस रिसेप्टर पर एक्ट करती है जिससे कि HDL का रिसाइकलिंग कम हो जाता है, बॉडी में HDL लेवल्स बढ़ने लगता है। पर इसके साथ जो भी बड़ी बड़ी स्टडीज हुई, इस ग्रुप की कॉमन मेडिसिन जो है एनासीट्रैपिव और इवासीट्रैपिव, ये कॉमन मेडिसिन है, इनके साथ जो भी स्टडीज हुई वो यही देखा गया कि वो पेशेंट को फायदा नहीं कर रही है, उल्टा नुकसान कर रही है। ऐसा माना गया कि दवा का ब्लड प्रेशर वगैरह पर भी जो इफेक्ट है और बॉडी के ऑक्सीडेटिव सिस्टम पर जो इफेक्ट है वो बहुत खराब है। इसकी वजह से ये दवा के ट्रायल्स में उल्टा ये पाया गया कि मृत्यु दर कम होने के बदले उल्टा बढ़ गया। ये दवाई HDL लेवल को तो बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, मतलब ये दवा एकमात्र ऐसी दवा है जिसका HDL पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है, और इसी में HDL पर इफेक्ट है, इसका LDL और ट्राइग्लिसराइड पर कुछ खास इफेक्ट नहीं है, सिर्फ HDL पर ही मेनली काम करती है। और काफी स्टडीज में पाया गया कि ये HDL को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन इन दवाइयों से हम चाहते तो यही है कि पेशेंट का मृत्यु दर कम होना चाहिए, पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए, पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ना चाहिए, उसको हार्ट अटैक और लकवे का चांस कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। तो बेसिकली हम दवाइयों से चाहते तो यही है, लेकिन ये दवा जो है यानी कि जो CETP इनहिबिटर्स है उनके साथ जो स्टडीज हुई उसमें यही पाया गया कि ये दवाइयां मृत्यु दर को कम नहीं करती हैं, हार्ट अटैक और लकवे के चांस को कम नहीं करती, उल्टा मृत्यु दर को बढ़ा देती है। इसलिए ये दवा के साथ जो भी ट्रायल्स थे उनको पहले ही बंद करना पड़ा और ये पाया गया कि ये मॉलिक्यूल यूजफुल नहीं है, तो ये दवा मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं की गई, क्योंकि इसके साथ जो स्टडीज थी वो अपना काम साबित करने में एक तरह से नाकामयाब हुई, फेल हुई। इसके अलावा एक और मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स है जैसे PPAR एगोनिस्ट बोलते हैं, जो कि कुछ बीपी की मेडिसिन है जैसे कि टेलमिसार्टन है, उसमें भी ये फीचर रहता है। इसके अलावा फिनोफिब्रेट्स वगैरह भी इस तरह से एक्शन करते हैं, ये दवाइयां भी बेसिकली यूज करते हैं जो कि HDL लेवल्स को बढ़ाती है। ये दवाइयों का भी मेन काम ट्राइग्लिसराइड लेवल पर ही ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, जैसे कि फिनोफिब्रेट्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। ये अलग रिसेप्टर है जिस पर काम करके दवाइयां भी जो है आपके HDL को थोड़ा सा बढ़ाती है, पर ये दवाइयों के साथ भी बहुत ज्यादा स्टडीज हुई है, उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा नहीं शो किया है, तो इसलिए दवाई कोई बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते हैं। प्लस इसका जो बेनिफिट भी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी HDL लेवल्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है, तो इसलिए इसके साथ बहुत ज्यादा स्टडीज अवेलेबल नहीं है। यानी मान के चलिए अगर किसी को HDL लेवल्स का प्रॉब्लम है तो सबसे कॉमनली उसको स्टैटिन यूज करेंगे। सबसे ज्यादा स्टैटिन यूज करने का रीजन ये है कि वो LDL को भी कम करता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और सबसे ज्यादा डेटा उसके साथ अवेलेबल है कि वो मृत्यु दर को कम करता है। इसके अलावा वो ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। इसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स उसमें यूज किए जाते हैं वो है फिनोफिब्रेट्स। फिनोफिब्रेट्स का बेसिकली एक्शन ट्राइग्लिसराइड पे है, लेकिन वो HDL को भी बढ़ाता है। ये दवा के भी कुछ बेनिफिट्स है लेकिन HDL पर उतना स्ट्रांग एक्शन नहीं है। नाइसिन का जो कि विटामिन B3 है उसका अच्छा खासा इफेक्ट है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऐसे हैं कि वो सूटेबल नहीं है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन जो CETP इनहिबिटर्स है, ये लेटेस्ट मॉलिक्यूल था जो HDL को बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ा रहा था, लेकिन फायदा कुछ करने में साबित नहीं हो पाया ट्रायल्स में। ट्रायल्स में टाउट का नुकसान देखा गया, मृत्यु दर बढ़ते हुए देखा गया, बीपी बढ़ते हुए देखा गया, तो फायदा नहीं दिखा, तो इसलिए मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। इसके अलावा PPAR एगोनिस्ट मॉलिक्यूल जो है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स में एक एडिटिव एक्शन जैसा होता है, पर ये मॉलिक्यूल भी बहुत स्ट्रांग इफेक्ट नहीं डालता HDL पे, इसलिए इसको भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा इसके साथ भी स्टडीज अवेलेबल नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने उन दवाइयों के बारे में बात की जो कि HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कुछ हद तक मदद करती है, और इन दवाइयों में सब कौन से कॉमन दवाइयों को यूज करते हैं और कौन से दवाई को नहीं यूज करते हैं। मान के चलिए कि अगर किसी को सिर्फ HDL का प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए दवाइयों को ज्यादातर यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर HDL का प्रॉब्लम आपको LDL के साथ भी है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे।
सबसे ज्यादा स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट्स का कॉम्बिनेशन को ही प्रिफर करते हैं और ज्यादातर जिन लोगों को कॉम्बाइंड लिपिड एब्नॉर्मलिटी होती है उसमें ही इनको यूज करते हैं। आइसोलेटेड अगर एचडीएल का किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही इंप्रोवाइज करने की ज्यादातर सलाह दी जाती है। एचडीएल लेवल्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी डाइट और एक्सरसाइज से फायदा होगा इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया जो कि हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए। जो लोग हमारे चैनल पर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर डिस्लिपिडीमा का प्लेलिस्ट है जिसमें एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल संबंधित वीडियोस हैं। इनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं। आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा और कौन कौन से खाद्य पदार्थ या डाइट और कौन कौन सी एक्सरसाइज से आपको ज्यादा मदद मिलेगी वो सारी चीजें भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।